व्हाट्सअप डू व्हाट्सअप क्या हाल चाल आईवेज बढ़िया। तो जो भी गुरु काशी यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। अगर ये वीडियो देखते हो तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आखिर अगर आप लोग बिहार से और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हो तो क्या उसका फीस रहेगा, उसके बाद क्या प्लेसमेंट है गुरु काशी यूनिवर्सिटी में, साथ में वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, साथ में आपको किस तरीके से एडमिशन करवाया जाए कि आपको आगे चल के आप लोग को हेल्प मिले, साथ में अगर आप देखो जैसे कि आप लोग बिहार से आए हो, ओके बिहार से एडमिशन लेते हो तो बिहार के बच्चों को आप लोग को पता है कि आप लोग इतने दूर से 2200 किलोमीटर से आ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे दलाल होते हैं ना जो आपके पैसे आपका लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आखिर बीटेक सीएस का प्लेसमेंट क्या है वहाँ पे, अदर बीबीए बीसीए अदर का प्लेसमेंट क्या है, साथ में हमें एडमिशन लेने का सही प्रोसेस क्या है, साथ में अगर हम वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो क्या हमारा लाइफ सिक्योर है, क्या हम वहाँ पे भाई लेते हैं एडमिशन तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात होगी। तो लेट्स वेलकम गाइस बैक ए न्यू वीडियो। तो वेलकम टू गुरु काशी यूनिवर्सिटी और मैं आपका भाई आशीष बाजी। तो अगर चैनल पे नए हो तो भाई साहब पिछले वीडियो जाओ और पिछले वीडियो भी देखो, और गुरु काशी यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, और आप लोग चाहते हो कुछ ऐसा अदर वीडियो जैसे कि आप लोग की डिमांड पर मैं बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ में अगर आप लोग चाहते हो कोई भी काउंसलर मेरे से कॉन्टैक्ट करना तो कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलर कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्योंकि जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ अभी मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे काउंसलर होंगे जो मुझे धमकी देते हैं, ओके तो भाई वो धमकी मुझे दे सकते हैं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जो है मैं सच्चाई मुंह पे बोलता हूँ और सच्चाई मुंह पे मैं एक्सपोज कर देता हूँ, ओके तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें गुरु काशी यूनिवर्सिटी का, तो गुरु काशी यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, नैक ए प्लस प्लस है। तो अगर आप बिहार के बच्चे हो तो आपको पता है कि नैक ए प्लस प्लस है, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मतलब जहाँ पे हमें 4 लाख रुपये मिलती है तो वहाँ से हमें 4 लाख रुपये आसानी से मिल सकता है, तो वो गुरु काशी यूनिवर्सिटी में आप लोग को मिल सकता है। साथ में अगर हम बात करें इसका फीस का तो बहुत सारा फीस है, जैसे कि बीटेक सीएस का क्या फीस है, मैं सारा चीज़ मेरे पास वो है तो मैं आप लोग को अगर नीचे कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पिन कर दूंगा कि किस कोर्स का कितना फीस है 2023 के अनुसार, ओके जो आगे आने वाला जैसे 2022 का सेशन है तो आगे आने वाले सेशन में क्या होता है कि फीस घटता बढ़ता रहता है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को रिव्यू दे दूँ, थोड़ी बातें मैं आप लोग को बता दूँ गुरु काशी यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप लोग को पता है बीटेक सीएस का 5,64,000 है, दूसरा बीटेक ईसीए मैकेनिकल का 3,84,000 है, 3 लाख आती बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट का हो गया आप लोग को 3,57,000, बीसीएमसीए का 3 लाख है, ओके इसमें जो मैंने बात किया है बीबीए का 3,35 लाख रुपए है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ टोटल कोर्स इंक्लूड, मतलब कि इसमें आपको हॉस्टल प्लस क्या बोलते हैं हॉस्टल प्लस आपका पढ़ाई लिखाई सारा चीज हो जाए, आपको यूनिफॉर्म खुद से परचेज करना पड़ता है, ये कॉलेज आपको परचेज करके नहीं देता है, और ये जो मैंने फीस बताया इस फीस में आप लोग को क्या होता है आप लोग का भाई एग्जाम फीस नहीं लगा रहता है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो मात्र 5,000 रुपया लगता है। तो कोई भी टीचर अगर आप लोग से ज़्यादा पैसा ले रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो प्लीज़ भाई उन लोग के चक्कर में मत पड़ना। और मैं बताता हूँ कि देखो भाई आखिर हमें क्यों और कैसे हमें एडमिशन लेना चाहिए। देखो भाई अभी आपको पता है अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो जरूर आपके पीछे कोई ना कोई होगा अभी, ओके कोई ना कोई मतलब कि आपको अगर आपके बगल का टीचर हो या फिर आपको कोई कॉलिंग के थ्रू जान पहचान हो कोई एजेंट हो जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं आपका एडमिशन करवाने वाला, तो जो आपका एडमिशन कराने वाला होता है ना वो दलाल होता है। दलाल से यहाँ पे ये बात है, दलाल मतलब कह सकते हो आपका दलाली करता है, मतलब कि आपका वो एडमिशन करवाएगा उसको बेनिफिट होगा उसको पैसा मिलेगा कॉलेज की तरफ से। पर आप लोग यहाँ पे ये नहीं जानते हो, अगर मान लो कि कोई चीज़ आप लोग उस चीज़ कॉलेज वाले उसको 30,000 35,000 40,000 रुपया दे रहे हैं, अगर कॉलेज वाले उनको पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा कॉलेज वाले किससे उस लेंगे, वो आपसे उस लेंगे। तो यहीं पर बात आ जाती है अगर आप लोग उसके थ्रू एडमिशन लेते हो सबसे पहली बात तो आपको क्या बोलते हैं उसे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, आपको बढ़िया हॉस्टल नहीं दिया जाता है, जैसे कि कम पैसे में एडजस्ट करने वाली आपको हॉस्टल दे दी जाती है, तो प्लीज़ उन लोग के चक्कर में मत पड़ो। आपको अगर एडमिशन करवाना है तो अगर आपका वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ता है तो आप उनके थ्रू एडमिशन करवाओ, अगर आपका वहाँ पे स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो यहाँ पे स्क्रीन पर दिए गए नंबर आप लोग देख रहे हो ये नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप लोग कॉन्टैक्ट करते हो तो जितना मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं उतना आप लोग को हेल्प करूँगा, जितना मेरे से समझा पाएगा। देखो भाई अगर वो भी अगर आप किसी और के थ्रू एडमिशन करवा के मेरे से कोई चीज़ पूछते हो तो भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए नहीं बता पाऊंगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि भाई देखो उसके थ्रू आप एडमिशन करवाए तो वो आपके काउंसलर के हाथ में जाता है और मैं
स्टूडेंट रेफरल देता हूँ कि जिस जैसे कि कोई स्टूडेंट किसी का एडमिशन करवाता है तो उसका सारा डाटा मेरे पास रहता है, पर आपका सारा डाटा नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप किसी कोई आपके पास स्टूडेंट नहीं है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपका किसी स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन करवा के दूंगा। वहाँ पर मेरा खुद का भाई पढ़ता है, वहाँ पर जाओगे आपको बढ़िया हॉस्टल मिलेगा, स्टूडेंट का सपोर्ट मिलेगा, हर चीज़ आप लोग को मिलेगा। तो प्लीज़ भाई आप अपना लाइफ बनाओ, बिहार से आए हो या फिर अदर स्टेट से हो तो आप अपना लाइफ बनाओ, बढ़िया से एडमिशन लो। सबसे पहला नींव है भाई साहब एडमिशन। अगर आप लोग एडमिशन सही से ले लेते हो तो फिर आपका लाइफ भी धीरे धीरे सही सही चलेगा ही। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी और आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि प्लेसमेंट के ऊपर में वीडियो लाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं ये भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। चलो गाइज मिलते हैं गाइज फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।